Hello everyone, welcome to my channel DS Beauty Queen and I am Devalina Sena. Hope you are doing well. So guys, आज का जो vlog होने वाला है वो vlog नहीं, वो है review videos, क्योंकि काफी ज्यादा DM आ रहे थे कि videos क्यों नहीं आ रहा है. तो काफी दिन हो गया था मैंने कोई भी video नहीं डाली थी, तो मैं सोची कि नहीं आज तो मुझे video आप लोगों के लिए डालना ही है. तो that's why मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के लिए video लेने. जो मैं आज product बताने वाली हूँ वो amazing product है. इसका रिव्यू मैं पहले भी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, बट इस बार क्या स्पेशल ये है कि इंडस वैला का जो प्रोडक्ट है, ये दो प्रोडक्ट मुझे रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम इंडस वैला के तरफ से, और ये दोनों प्रोडक्ट उन्होंने मुझे भेजा है. सो सबसे पहले जो प्रोडक्ट की मैं बात कर लूं, तो ये प्रोडक्ट के बारे में काफी लोग जानते भी है, एलोवेरा जेल बायो ऑर्गेनिक का. इंडस वैला बायो ऑर्गेनिक का 100% प्योर एलोवेरा जेल है जो यंग एंड रेडियंट स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है. एंड आप कोई भी DIY आराम से बना सकते हो एलोवेरा जेल के साथ, जो कि मैं ऑलरेडी अपने चैनल में इसी कंपनी का एलोवेरा जेल का जो रिव्यू है वो दे चुकी हूँ ऑलरेडी. बट फिर से मैं ये पैक्ड है आया है क्योंकि मेरा पुराना ही अभी तक चल रहा है, काफी दिन से मैं यूज कर रही हूँ. मीन्स मेरा दो जो ये था डिब्बा मेरा खत्म हो चुका है, ये थर्ड है. एंड ये आपके सामने मैं ओपन कर रही हूँ, आप देख सकते हो. इसकी जो कॉस्ट की मैं बात करूं तो 449 रुपीज है. एंड इसकी जो लाइफलाइन की बात करूं तो ये सितंबर 2021 में हुई है एंड 2024 तक इसकी लाइफलाइन है. एंड ये 400 ml की आती है. एंड सबसे अच्छी बात है ये मेड इन इंडिया है. सो हमारे इंडिया का खुद का बना हुआ एलोवेरा जेल है ये. एंड इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, अमेजिंग पैकेजिंग है. आपको कोई भी कम वाला सिस्टम लगा, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाए. ये देखिए, सो इंडस वैला का और एक प्रोडक्ट मुझे रिसीव्ड हुआ है जो है आपका फुट रिलैक्सेशन पैक, जो मैं अपने पैरों का जो फुट हम लोग है कि रिलैक्सेशन के लिए, मीन्स पेडिक्योर जो हम लोग करते हैं नॉर्मली. मैं पेडिक्योर का DIY मैं दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि मुझे DIY एक पैक रिसीव हुआ है. तो इसके अंदर क्या क्या है वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे. उसके पहले मैं इसकी कॉस्ट की बात करती हूँ, तो कॉस्ट है 273 रुपीज. एंड इसकी लाइफ लाइन की बात करती हूँ तो जून 2021 में ये हुआ है. एंड इसकी लाइफ लाइन मई 2024 तक है, मीन्स 3 ईयर्स का लाइफ लाइन आपको मिल रहा है. मेड इन इंडिया है जो प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंग है. इसमें आपको तीन चीज इसके अंदर आपको मिलेगा, जो है एप्सम सॉल्ट, ऑलिव ऑयल एंड एसेंशियल ऑयल. सो ये तीनों चीज आपको इसके अंदर ही मिलने वाला है. सो सबसे पहले हम लोग इसे खोल के आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा. सो कुछ ऐसी पैकेजिंग में आपको आ जाएगा. सो अब DIY के बहुत सारे पैकेजिंग आते हैं, मीन्स बहुत सारे. सो सबसे पहले हमने यहाँ पर देख रही हूँ एक छोटा सा बुक है जो कि है रेसिपी बुक, मतलब यहाँ से आप रेसिपी देख के आप उस अकॉर्डिंग DIY कर सकते हैं. एंड उसके बाद आप देख सकते हैं इसकी. सो यहाँ पर मुझे बायो ऑर्गेनिक से मिला है एक सॉल्ट जो कि नाम है एप्सम सॉल्ट. सो मैं इसे भी आपको खोल के DIY में दिखा देती हूँ कि कैसे आप इसे यूज करो. ये सॉल्ट कुछ ऐसा दिखता है, पेडिक्योर के लिए नॉर्मली ये काम आता है. एंड इसके साथ एक बुक है कि आपको कैसे यूज करना है उसके बारे में. सो एंड उसके बाद मैं बात करूं, यहाँ छोटा सा ऑलिव ऑयल है बायो ऑर्गेनिक का. एंड यहाँ पर एक छोटू सा एसेंशियल ऑयल भी है, आई होप आपको दिख रहा होगा. सो ये तीनों के साथ हम लोग चलिए आज कुछ DIY किया जाए. आज हम करेंगे फूड रिलैक्सेशन पैक बनाएंगे और वो हम अपने फूड पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कैसा पेडिक्योर आज मेरा DIY करके होता है. तो बहुत सारे लोगों का अभी मतलब क्या होता है ना कि शादी का टाइम है, तो DIY करके आप देख सकते हो कि कैसा आपका रिजल्ट मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है. Take half cup of water and put 2 spoon of Epsom salt Indus Vella, and then 5 to 8 drops of peppermint oil, means essential oil, and mixed well. Shock your feet on the tub for 10 to 15 minutes for relaxation. Please use freshly made mixture. Discard the left out mixture after use. Wipe with towel. Dry
2 spoon olive oil plus aloe vera gel 1 spoon and mixed well for deep moisturizing. Now apply it and for moisturizing. आपको ये vlog अच्छा लगा तो make sure कि आप subscribe, like और share जरूर कीजिएगा इस channel को. Thank you. Bye bye.